हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भोजन भाई सुमित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, देश में हाहाकार मच चुका है, बेरोजगारी का हाहाकार। एनआईटी, आईआईटी, जेएनयू, डीयू यानी कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए छात्र आज बेरोजगार अपने घर पर नल्ले बैठे हुए हैं। तो भाई, जैसा कि आपको पता होगा कि 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फेगू जी का जन्मदिवस रहता है, तो इसी मौके पर इसी दिन 17 सितंबर को देश के युवाओं ने, बेरोजगारों ने निश्चय किया कि इस दिन हम 17 सितंबर को मनाएंगे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि 17 तारीख को देश के युवाओं ने, बेरोजगार युवाओं ने निश्चय किया कि हम मनाएंगे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, और ये सफल भी रहा दोस्तों। जैसा कि आपको पता भी है, मैंने बता भी दिया कि 17 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है। तो भाई, ट्विटर पर तो जंग छिड़ गई, तहलका मच गया, आग लग गई। आप देख सकते हो ट्विटर, ये देखिए आपके सामने सब कुछ शो हो रहा होगा। कभी पहले नंबर पर रहता एचबीडे मोदी यानी कि हैप्पी बर्थडे मोदी, कभी पहले नंबर पर आ जाता नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस, कुछ भी, हमेशा इतना भाई ट्रेंड चलता रहा कि दोनों में दिन भर लड़ाई होती रही कि कौन पहले नंबर पर रहेगा। लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है, जैसा कि आपको पता होगा, और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस हमेशा ही ट्रेंड पर रहा। बीच बीच में मोदी जी का जो हैप्पी बर्थडे था वो भी ट्रेंड पर आया। वो इसलिए आया दोस्तों कि आपको पता होगा देश में बहुत सारे चाटुकार, दंगाई लोग रहते हैं, भक्त लोग रहते हैं जो मोदी जी की चाटने के सिवा और कुछ नहीं करते। चलिए, हमने तो बात कर ली ट्विटर की, लेकिन जब पूरा सोशल मीडिया कह रहा हो कि आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस है तो है। हाँ भाई, देश के नौजवान युवाओं ने इसका विरोध प्रदर्शन भी किया और नए अंदाज में किया, न्यू इंडिया के हिसाब से किया। भाई क्या बोलते, धरना नारे मारे नहीं लगाए, ना ही कोई रोड जाम किया, ना ही चक्का जाम किया। बढ़िया, पीएचडी करे हुए युवाओं ने, एमबीए करे हुए युवाओं ने, जो लोग आईआईटी से पढ़े हैं, डीयू से पढ़े हैं, जेएनयू से पढ़े हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़े हैं, उन्होंने रोड पे बैठ कर चाय बेची, रोड पे टी स्टॉल लगाया, तो वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो देखिए, मेरे सब टाइम पूरा हो गया आपका। रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। आज इस समय अगर किसी के अंदर जरा सी भी नैतिकता बाकी होगी, जरा सी भी इंसानियत बाकी होगी, जरा सी भी शर्म बाकी होगी, और जो देश के बारे में जरा सा भी सोचता होगा, जिसको देश के भविष्य की जरा सी भी चिंता होगी, वो ये वीडियो देख लेगा तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा भाई, चुल्लू भर पानी में डूबने को चाहेगा। क्योंकि आज हमारा देश का युवा जिसने पीएचडी करी हुई है, छोटी मोटी डिग्री तो होती नहीं, सब लोग जानते होंगे सबसे बड़ी डिग्री होती है डॉक्टरेट की डिग्री होती है भाई, जिसने आईआईटी से पढ़ाई करी हो, जिसने एमबीए से पढ़ाई करी हो, जिसने आईआईएम से पढ़ाई करी हो, वो रोड पे ऊपर खड़ा होकर चाय ले लो करेगा, चाय बेचेगा, तो क्या रहेगा देश का भविष्य? ये आपसे पूछना चाहता हूं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, क्या आज देश में जो सत्ता में लोग बैठे हैं, सत्ता में काबिज है बीजेपी पार्टी, सत्ता में काबिज है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, क्या आज उनको शर्म आनी चाहिए कि देश का एक पीएचडी करा हुआ लड़का, कई सारे बेरोजगार बच्चे रोड पर चाय बेचने के लिए आ गए हैं, क्या शर्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? नीचे कमेंट करो। तो भैया, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। बाकी आप लोग इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट करके तो आप लोग बता ही दोगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तभी तो भाई मानूंगा कि आप भी देश के साथ हो। तो जल्दी करो।